हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड स्वागत है हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो अभी सुबह के बज रहा है 7 और आजकल फिर से मैं लेट उठने लगी। तो अभी मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ और बना रही हूँ अपने बेटी के लिए हलवा यहाँ पे। उसके बाद चलती हूँ, उसको रेडी करेंगे, फिर चाय भी चढ़ा देते हैं, तब चाय भी बनेगा। तो आज सोचा कि क्यों नहीं ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, फिर जो भी कुछ करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। चाय बन गया, मैं यहाँ पे पी रही हूँ। चलती हूँ बेटी को रेडी करने। सोच रही हूँ आज उसको तैयार करेंगे तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर क्या था, उसको नहला धुला कर ड्रेस पहना दिए, उसके बाद उसका बाल को कंघी कर रहे हैं। तो अच्छे मेरे उस सर के ऊपर जो दिख रहा है, छज्जा पे कुछ सामान रखा हुआ है, तो क्या है कि वो पूरा जितना मतलब कि इन्वर्टर हुआ और पंखा उंखा वही सब चीज़ का कवर रखा हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैंक में है तो उनका 3 साल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर जाएंगे लोग तो फिर उस सामान को भी तो पैक करके ले जाना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए वहाँ पे पीछे दिख रहा है। तो आप लोग चलते हैं, उसको रेडी कर दिए, देख सकते हैं उसको। अब चलती हूँ किचन में बनाने खाना। तो दाल चावल मैं बना दी थी और सब्जी क्या बनाना था समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दाल बना ली थी, लेकिन दाल आज नहीं बनाना चाहिए था मुझे जिसे लग रहा है। उसके बाद में चल के मैं फाइनली बेसन की सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी बनाने से पहले यहाँ पे प्याज लहसुन तेजपात जीरा टमाटर मिर्चा जो भी था काट कूट के रख लिए हैं। अब चलते हैं बेसन को घोलने। यहाँ पे घिउड़ा का भी सब्जी बना लिए थे और फिर मेरे हस्बैंड आए मतलब बेटी को स्कूल से छोड़ के, तो फिर यहाँ पे चाय उनके लिए बना रही हूँ मैं। अब चलती हूँ बेसन को घोलने। देख सकते दाल यहाँ पे दूध रखा हुआ है, फिर चावल भी बना चुके हैं। अब चलती हूँ बेसन को घोलने। तो सबसे पहले बेसन को रख लिए और उसके बाद हम लोग 2 कोई हैं, मेरी बेटी खाना नहीं खाती है, मतलब बहुत कम 1 बाइट या 2 बाइट खाती है, तो उसको खाना नहीं बोलेंगे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग 2 आदमी के लिए बना रहे हैं और यहाँ पे मेरा तवा भी ख़राब हो चुका है। देखते हैं क्या कुछ करते हैं, बदलना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने घर से लाऊंगी ससुराल से। तो यहाँ पे बेसन को वहाँ पे तवा पे सेक लिए थे, अब इसको काट लिए हैं, छोटा छोटा टुकड़ा भी बना लिए हैं। अब इसमें फ़ौरन डाल देंगे वही जो काट के रखे थे। उसके बाद प्याज व्याज डाल के इसको 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसमें डालेंगे मसाला, नमक हल्दी मिर्चा जीरा मरीच धनिया पाउडर, उसके बाद गरम मसाला, यही सब मैं डाली थी। उसके बाद इसको 15-20 मिनट तक पकाए, फिर इसमें पानी डाल दिया और सब्जी को डाल के 10 से 15 मिनट तक इसको एथी करेंगे मतलब बनाएंगे। उसके बाद इतना पानी दिख रहा है, जब सब्जी बन के रेडी होने के बाद पानी इसमें का रस सूख जाता है। सो फाइनली बन गया पूरा खाना। अब ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो गया है अब मैं। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब मैं इस ब्लॉग को कर दूंगी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए आज मतलब कि थोड़ा सा अभी रेस्ट करेंगे। अभी 10 बज रहा है, मेरे हस्बैंड ऑफिस खाना पीना खा के चले गए हैं। अब मैं थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद नहाएंगे फिर पूजा पाठ करेंगे। तो मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर देना, एंड जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कुमारी संध्या, प्लीज़ उसे फॉलो भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।